उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो सके इसलिए जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया गया। यानी जिला अस्पताल जहां पहले उपचार होता था अब उसे मेडिकल कॉलेज कर दिया गया और नाम भी बाबा देवराहा मेडिकल कॉलेज रखा गया। लेकिन क्या नाम बदल देने से, क्या मेडिकल कॉलेज कर देने से स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हुई? मेडिकल कॉलेज बनाने का मकसद ये होता है कि जहाँ जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधा एक लिमिटेड होती है, बेड की संख्या लिमिटेड होता है, डॉक्टर लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो जाने से इनकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन एक बार आप जो ये नज़ारा है उसे देखिए और फिर खुद आकलन कीजिए, क्या मेडिकल कॉलेज हो जाने से जिला अस्पताल में सुविधाओं की संख्या बढ़ी? जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, उत्तर प्रदेश में इस समय डेंगू का प्रकोप है। लेकिन जब जिला अस्पताल हमारे संवाददाता पहुंचे तो एक बेड पे कहीं दो मरीज और कहीं तीन मरीज लेटे हुए हैं, लाचारी दिखी। एक तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास खुद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, प्रदेश के अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को कड़े संदेश दे रहे हैं, कभी डांटते फटकारते उनका वीडियो आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दिख जाता हो। लेकिन उनके इस कार्रवाई के बाद भी जिला अस्पताल या फिर यूं कहें मेडिकल कॉलेज का क्या आलम है वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। इस मामले पे जब हमने जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, एक बार उनको भी सुन लीजिए। और लेट बारिश के कारण वेक्टर जनित एवं वायरस जनित बीमारियों में एकाएक संख्या में इजाफा होने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। जो भी मरीज सीरियस हालत में आए हॉस्पिटल आ रहा है उनको प्रथम दृष्टया प्राथमिक उपचार करके पहले वाइटली स्टेबल किया जा रहा है, उसके बाद जगह और बेड खाली होने पर सेपरेट बेडों पर उनको सुलाया जा रहा है। एक बेड पे दो मरीज हैं, उससे संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था? शुरू के दिनों समय में जब मरीज गंभीर आता है तो उसका हमारी प्राथमिक प्रक्रिया ये है कि मरीज को पहले स्टेबल किया जाए, फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए दूसरे बेडों पे वार्डों में शिफ्ट किया जाए। कितना बेड आपके पास है? 15 बेड PICU में, 20 बेड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। We'll be right back.